आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्योपुर प्रशासन हुआ अब सख्त। साल 2021 में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में सख्ती बरतने शुरू कर दी। बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर जुर्माना और जिले के बॉर्डर पर आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू करवा दी गई। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार दो दिनी लॉकडाउन भी शुरू करवा दिया गया। शनिवार रविवार को लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार की रात 8 बजे शहर भर में घूमकर बाजार की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करवा दिए। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय और एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने प्रशासन और पुलिस की टीमों के साथ लेकर बाजार बंद कराने के अलावा लोगों को हिदायत भी दी। वहीं लॉकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से करें, नहीं तो उनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, फल सब्जी और दूध डेयरी की दुकानों के अलावा अन्य अति आवश्यक सुविधाओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार के दुकान प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। आजाद हिंदुस्तान लाइव न्यूज चैनल की लोगों से अपील है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बेहद जरूरी होने पर मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी बनाकर घर से बाहर निकले, लॉकडाउन का पालन भी करें। दो दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर अपर कलेक्टर मुकेश उपाध्याय ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले भर में धारा 144 लगा दी गई। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया, जिसमें मेडिकल, दूध डेयरी, फल सब्जी या दुकान पूर्ण रूप से खुली रहेगी। अन्य किसी भी प्रकार की दुकान खुली मिलती या कोई गैर जरूरी काम से घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के जितने सारे जो नॉर्थ होते हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, धारा 144 लग गई है और आज 6 बजे लॉकडाउन प्रभावित हो गया है और सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान जो है सभी दुकानें बंद रहेंगी, यातायात भी अपरिहार्य स्थिति में चलेगा। जो भी बाहर निकलेंगे बताना पड़ेगा बाहर क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उनकी क्या अनिवार्यता थी आने की।